बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज की हमारी जो रेसिपी है विंटर स्पेशल रेसिपी है, और आज हम बनाएंगे कैपाचिनो कॉफ़ी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जाग वाली कॉफ़ी बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं और बग़ैर कॉफ़ी मेकर के। तो रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉफ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है चीनी, जो कि है 6 खाने के चमचे। ये डाल देंगे हम एक बोल में, और इसी के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी, जो कि है 6 खाने के चमचे। तो चीनी और कॉफ़ी दोनों हमने बराबर की ली है, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही हम इसी ही कप में डालेंगे पानी, और पानी भी हमारा 6 खाने के चमचे यहाँ पे हम डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम बीट कर लेंगे बीटर की मदद से, और इसको हमने इतना बीट करना है हाई स्पीड पर कि ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए। अब इस कॉफ़ी को हमने 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच तकरीबन और पानी, जो कि नॉर्मल टैप वाटर है, ये शामिल कर दिया। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक के लिए बीट कर लेंगे कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। अब हमने पानी डाल के इसमें 2 मिनट तकरीबन और बीट किया है इसको, तो देखें इसका ये कलर आ गया है, इस तरह इसका टेक्सचर आ गया है बिल्कुल क्रीमी सा। तो अब हम इस स्टेज पर आके बीटर को रोक देते हैं। तो यही हमें चाहिए था इस तरह से। तो इस आप मिक्सचर में तकरीबन 6 से 7 कप कॉफ़ी आराम से बना सकते हैं, और इस आप मिक्सचर को एयर टाइट बॉक्स में भर के स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ हमने दूध को बॉयल कर रखा है, और जितनी आपको कॉफ़ी बनानी है उस हिसाब से आप कप्स को बॉयल कर लीजिए। तो ये दूध बॉयल हो चुका है, तो 1 कप में हम डालेंगे ये कॉफ़ी जिसको हमने बीट किया था। तो यहाँ छोटे वाले चमचे हैं, 2 से 3 चाय के चमचे मैं डाल दूँगी यहाँ पर इस मिक्सचर को, और साथ ही अब इसको डालने के बाद इसमें हम गर्म गर्म दूध डालेंगे। कॉफ़ी के मिक्सचर को हमने कप में डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे गरम गरम बॉयल दूध, और इस तरह से हाइट देते हुए इस कप में हम दूध को पोर करेंगे ताकि ये झाग इस तरह से ऊपर आ जाए। अब हम इसको चमचे की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते जाएंगे तो ये झाग देखें खुद ब खुद ऊपर आते जाएंगे। तो ये आप घर में बनाइए, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी अच्छी आप घर में बआसानी इस कॉफ़ी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसको बनाएं, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे ये कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।